हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडो एक्सेल पावर्ड बाय वाईएसी एटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटोर रोहन कुमार सिंह। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आल्सो आई हैव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे अंडर क्यूपी एंड सीईपी। आई एम द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एक्सप्लोरिंग द लॉज दैट गवर्न अवर यूनिवर्स। यू कैन फाइंड दिस बुक ऑन अमेजोन एज वेल एज इन दिस बुक वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्सपीरियंस विच वॉज बीइंग गोइंग ऑन राइट नाउ इन यूनिवर्स From when the universe having a great explosion that was known as Big Bang theory until now, whatever the different phases we have gone, okay? So, 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, which of them are right now in IIT, NIT, as well as in best colleges of NEET. So, also cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. Again, I have worked here for 6 to 8 months and published about 12 papers on physics and different topics. Okay, so आज का जो topic है, आज जो हमारा class 11 का motion in straight line lecture number 4, उससे पहले क्या हमारा clear हो चुका है? Okay, so आज हमारा topic में क्या क्या है? आज क्या पढ़ेंगे? Introduction as g as acceleration due to gravity हमारा पहला topic होगा, ठीक है? G को acceleration due to gravity में अगर हम लोग include करते हैं और अगर हम एक्सेलेरेशन की जगह रिप्लेस करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं और हमारे पास ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, ओके? एंड ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया ही था कि ग्राफ वगैरह का अच्छा खासा नॉलेज भी लेना है हमको इस दौरान, एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत जरूरी है, ओके? सो ये स्टार्ट करते हैं एंड बैक स्टेज नोट्स। ओके, स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर। ओके, पहला टॉपिक क्या था हमारा? ओके, सो वेट अ सेकेंड, व्हाई इज दिस हैपनिंग दोनों जगह पे? सो पहला टॉपिक क्या था हमारा? इंट्रोड्यूसिंग जी एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इंट्रोड्यूसिंग G as acceleration due to gravity. Okay, अगर हमारे पास acceleration due to gravity की जगह, ठीक है, जैसे कि मैंने तीनों equation motion के लिख दिए, V is equals to U plus A into T पहला equation, दूसरा equation S equals to UT plus half A T square, ये हो गया दूसरा equation, और तीसरा इक्वेशन हमारा कौन सा हो गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज सेकंड वन। अब ये तीन इक्वेशन हो गए हमारे। अब मैं क्या करूंगा? रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन एज g, रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन एज g। सो अगर मैं रिप्लेस करता हूं, द न्यू इक्वेशन विल बी, न्यू इक्वेशन विल बी क्या होगा भाई? पहला इक्वेशन होगा हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस g इंटू टी पहला, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ g t स्क्वायर, ये हो गया दूसरा, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs तीसरा, ये हो गए तुम्हारे तीन डिफरेंट इक्वेशन। ये हो गए तुम्हारे तीन डिफरेंट इक्वेशन जिसमें मैंने एक्सेलरेशन को क्या रखा है? जी। और याद रखना, जी जो है वो ग्रेविटी है। क्या है वो? ग्रेविटी, जो कि एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और ग्रेविटी जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट वॉज हियर द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड एज वी नो ग्रेविटी इज
बट ग्रेविटी इज एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी हैव रिप्लेस्ड हियर विद एक्सेलेशन ओके एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 समहाउ 9.81 कहीं कहीं ये भी लेते हैं एज वेल एज 10 ये तीन वैल्यूज लेते हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन में किस क्या पहले तो क्या लेने के लिए बोला गया है वो नहीं तो एवरेज हम लोग अक्सर ये 10 या 9.8 लेते हैं ओके है ना ये कहीं कहीं क्वेश्चन में बहुत प्रॉपर अगर दिया जाए तो 9.81 ठीक ओके सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पॉसिबल होगी। लेट से केस नंबर वन सबसे पहले हमने क्या किया ये एक हाइट है ठीक है ये हो गई तुम्हारी एच हाइट ये हो गई एच हाइट एच मीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट यहां से हम फ्री फॉल गिराते हैं हम क्या करते हैं फ्री फॉल करते हैं बहुत ऐसे करके हमने इसे फ्री फॉल कर दिया तो जब ये फ्री फॉल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या वेलोसिटी क्या क्या चीजें ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहली चीज ड्यूरिंग फ्री फॉल ठीक है यहां लिखते हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल ठीक है एक्सेलरेशन जो होता है वो जी हो जाता है ये चीज ध्यान रखना और पॉजिटिव जी जब ये नीचे गिर रहा है ऐसे करके देखो फ्री फॉल का मतलब ऐसे छोड़ दिया वेलोसिटी नहीं अप्लाई करी ऐसे नहीं फेंका ऐसे छोड़ दिया और यू हो जाता है जीरो ये दो चीज याद रखना। अब हमारी नई चीजें क्या क्या आ जाएंगी ठीक है v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए जी इंटू टी यू तो हो गया जीरो तो v इज इक्वल टू जी टी ठीक है फ्री फॉल में वेलोसिटी तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। फिर आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा जीरो सो यू गेट जी एस इज इक्वल टू एस नहीं मैं यहाँ से एच लिख देता हूँ जिससे कि तुम लोगों को पता रहे कि हम हाइट निकाल रहे हैं ठीक है तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू एच अपॉन जी रूट ओवर ओके टू एच अपॉन जी विद रूट ओवर ठीक है तो ये हो गया हमारे पास। सो हमारे कंक्लूजन निकल के आता है ड्यूरिंग फ्री फॉल v इज इक्वल टू g इंटू टी एज वेल एज h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर t इज इक्वल टू रूट ओवर टू एच बाय जी। इसी वजह से मैं कहता हूं बच्चों कि अगर तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें फिजिक्स के ऐसे बहुत से फॉर्मूला हैं जो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाता है। अगर देखो भाई मेरा मुझे पता है मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है मैंने क्या किया मुझे फॉर्मूला याद भी नहीं था मैंने सबको ड्राइव कर दिया तुम्हारे सामने दो मिनट में तुम भूल गए तुम्हारे दिमाग में उस समय क्योंकि एक आईआईटी बंदा एक बंदा जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग करेगा क्योंकि फिजिक्स के बिना कुछ नहीं है भाई केमिस्ट्री में भी फिजिक्स लग जाती है तुम लोगों को पता होगा थोड़ी थोड़ी जगह केमिस्ट्री में भी फिजिक्स लगती है वेक्टर वगैरह ठीक है फिजिक्स को स्ट्रांग करेगा और जब वो फिजिक्स को स्ट्रांग करेगा तो उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी समझ रहे हो ना तो तुम्हें माइंड को फास्ट करना पड़ेगा पहली चीज। दूसरा तुम्हें कॉन्सेप्ट लर्निंग मैंने अपनी वीडियो में पहली बहुत सी वीडियो में मैंने यही बताया है कॉन्सेप्ट लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा ये एक ऐसी चीज है ये एक ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारी पूरी फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें बस कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है ठीक है चलो आगे मूव करते हैं। तो हमारा वो था अब थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट ठीक है जैसे कि
ये हो गया, यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, इसने एक बॉल ले ली, इसने इसे जोर से ऊपर फेंका। अगर मैं इसे जोर से ऐसे करके ऊपर फेंकूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे करके जोर से ऊपर फेंका, ऐसे करके फेंका, यानी कि वेलोसिटी मैंने अप्लाई करी, तो यहां पर यू अप्लाई होगा। सो केस में क्या है, केस नंबर टू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, व्हेन वी थ्रो अ बॉल, क्या बोला मैंने, जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे, वी अप्लाइड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई करी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू हो गई। अब दूसरी चीज, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का जी, क्योंकि ऊपर की तरफ जब हम फेंकेंगे, ऊपर की तरफ जब हम फेंकेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके ऊपर की तरफ जब हम फेंकेंगे तो एक्स ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी माइनस जी। इसके अलावा एट द हाइएस्ट पॉइंट, एट द एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द टॉप ऑफ द, ठीक है, जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो तुम्हारे पास तीन चीज हो गई बच्चों, यू हो गई, जी हो गई, जीरो हो गई। अब तुम्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है, और किसी चीज से मतलब नहीं है। अब देखो तुम्हारे पास ये दो चीज तो गिवन ही होगी, ये तो तुम्हें ऐसा है कि अगर तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हें ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो तुम्हारे पास ये दो चीज तो इनिशियली गिवन है। अब चाहे उधर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, चाहे हाइट गिवन हो, तुम बची हुई सारी चीजें निकाल सकते हो, तुम टाइम निकाल सकते हो, तुम हाइट निकाल सकते हो, तुम इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी जैसे भी गिवन हो उस हिसाब से निकाल सकते हो। तुम्हारी इक्वेशन में क्या क्या बदलाव आएंगे वो देख, वो जान जाते हैं। सो इक्वेशन में जो चेंजेस आएंगे उसको जरा देखते हैं। सो वी हैव वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, पहली चीज, सो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, वी तो हो गया जीरो, एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस का यू, जबकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का जी है, इंटू टी इज इक्वल्स टू माइनस का यू, माइनस माइनस कैंसिल, टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू बाय जी। ये हो गया हमारा एक आंसर, टी इज इक्वल्स टू यू बाय जी। वेन, तब कब बोलेंगे, जब हमारा क्या, जब हमारा, अच्छा यहां पर भी तुम कह सकते हो कि टी इज इक्वल्स टू वी बाय जी है ना, और वहां पर टी इज इक्वल्स टू यू बाय जी, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यू इज इक्वल्स टू जी टी हो जाता है जब हम ऊपर फेंकते हैं, जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, और वी इज इक्वल्स टू जी टी हो जाता है जब हम बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, फ्री फॉल मोशन होने दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज आती है हमारे पास क्या, कि लाइक, चलो आगे बढ़ते हैं जरा, और इक्वेशन पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे कि s इज इक्वल टू, अरे यार भाई इट इज लैगिंग, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, सो s क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो भाई एस क्या हो जाएगा, एस तो गिवन ही नहीं है, एच मैं एस बोल देता हूँ कि कितनी हाइट तक वो ऊपर गया होगा, दैट इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, यू इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू तो भाई गिवन है, तो ये वाला इक्वेशन ऐसा का ऐसा रहेगा, पर ये माइनस में चला जाएगा, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा पहले हमने देखा था टी इज इक्वल टू यू बाय जी लिख सकते हैं, तो मैं वैल्यू पुट करके देखता तो एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है, माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, सॉरी जी से जी कैंसिल, जी आया, तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी माइनस यू स्क्वायर बाय जी माइनस हाफ ऑफ
यू स्क्वायर बाय जी, कुछ देख रहे हो, यू स्क्वायर बाय जी को हमने हाफ ऑफ यू स्क्वायर बाय जी से माइनस किया, हमारे पास आ गया हाफ ऑफ यू स्क्वायर बाय जी, हाफ ऑफ यू स्क्वायर बाय जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, अगर तुम्हारी हाइट निकालना है तो दैट इज हाफ ऑफ यू स्क्वायर बाय 2g हो गया वो आंसर, यू स्क्वायर बाय 2g हो गया वो आंसर। इजी था ये कॉन्सेप्ट भी, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा कि भाई ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, इट इज इजी, टू मच इजी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर हमारे हम तीसरा इक्वेशन उठाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 2ah लिख देते हैं, और फिर मैं बोल रहा हूं कि v तो हो गया जीरो, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, देखो एक्सेलेरेशन की जगह माइनस जी रखेंगे तो ये हो जाएगा 2gh, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, देखो भाई दोनों में वैसे भी सेम आया, यहाँ पर भी h इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 2g आया, यहाँ पर भी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g आया। वैसे तुम ये भी लिख सकते हो u इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ठीक है, जस्ट लाइक वेरिफिकेशन लाइक समझ लेना, और कुछ नहीं इसमें कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब बताओ ये चीज क्लियर हो चुकी होगी सब बच्चों को, जिन जिन्होंने देखा होगा ये। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका और फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ आया। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका और वो नीचे की तरफ आया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए तुम क्या कर सकते हो कि टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ ASCENT, असेंट दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो अगर मैं ऐसा करता हूं तो टोटल टाइम, भाई ऊपर जाने में टाइम टी लगा, नीचे आने में टाइम टी लगा, टोटल टाइम हो गया टी, दैट इज इक्वल टू 2t, बात खत्म। कुछ गड़बड़ी नहीं, कुछ चीज ही नहीं। मान लो तुमसे बोलता है कोई, किसी क्वेश्चन में कोई बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका तो मैंने उसे 4 सेकंड के बाद कैच कर लिया, कितने सेकंड के बाद कैच कर लिया, 4 सेकंड के बाद, ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने से कैच करने तक में 4 सेकंड, यानी कि जाते समय जब वो टॉप ऑफ द हाइट पहुंचा तो 2 सेकंड, नीचे आया तो 2 सेकंड, ऊपर गया तो 2 सेकंड, नीचे आया तो 2 सेकंड। ओके सो अब नेक्स्ट वन, ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर हम जी को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ एक्सेलेरेशन ड्यू एक्सेलेरेशन, सो व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस और व्हाट आर द रिजल्टेंट, जो हमें ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल, चाहो तो तुम इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं तुम्हें एक एक करके दे रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लेना भाई, ये हो गया तुम्हारा जब ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद इसका हो गया, इसका देन इसका। सो अपने नोट्स बनाने में कमी मत करना भाई, जब मैं पढ़ाने में कमी नहीं कर रहा हूं तो नोट्स बनाने में कमी नहीं होनी चाहिए। तो हैशटैग न्यू आ जाएगा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओके अब मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस पे 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हो गया हमारे पास ये, एक पॉइंट हो गया हमारे पास ये। अब इसको मैंने बोल दिया एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये हो जाएगा एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, भाई स्लोप क्या होता है धीरे धीरे करके समझेंगे, पर अभी जो मैं कह रहा हूं वो समझो, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके चलो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, पता है नहीं पता? अच्छा एक बात बताओ, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, सब जानते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी, सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये बात जानते हो। ये वाई और एम, वाई और एक्स तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा निकलते हैं, ये एम क्या है भाई, ये एम क्या है, ये है स्लोप, ये है स्लोप, क्या है ये, स्लोप है, स्लोप। ठीक है, अब जानना क्या है स्लोप निकालते कैसे। यू हैव गिवन टू पॉइंट्स, दैट वाज एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। सो फॉर फाइंडिंग द स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया हमारे पास स्लोप। अब स्लोप जो होता है ना वो होता है टेन थीटा, वो होता है टेन थीटा। तो सर ये थीटा कहाँ बनता है, अब आ रहा होगा थीटा बनता कहाँ है, सुनो जरा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रू द गिवन पॉइंट। दोबारा सुनो मेरी बात, ड्रॉ अ लाइन गिवन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया, इस लाइन के पैरेलल बनाओ, इस लाइन के इस पॉइंट से होता हुआ एक लाइन बनाओ जो पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल हो गया, ये बन गया थीटा, ये बन गया थीटा। सिमिलरली ये पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया, इस लाइन के पैरेलल होके एक लाइन बनाओ थीटा, बात खत्म, दोनों एंगल इक्वल। तो यहां थीटा बनेगा, यहां बनेगा थीटा, यहां बनेगा थीटा, ओके। सो अब बात आती है करना क्या है सर हमको, ये समझ में आ गया होगा सबको। तो स्लोप निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो ग्राफ आखिर कह क्या रहा है, स्लोप निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो ग्राफ आखिर कह क्या रहा है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ इन मोशन डू यू हैव, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ग्राफ। पहला एसटी ग्राफ, दूसरा वीटी ग्राफ, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, चौथा डिस्टेंस वेलोसिटी, डिस्टेंस स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ, कुछ भी कह लो। फिर आता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ, क्योंकि ये इस टाइप के ग्राफ जेई में जरूर पूछे जाएंगे, इस टाइप के ग्राफ जेई में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, दैट इज एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तुम्हारे पास हो गए छह टाइप के ग्राफ। सबसे पहले हमें समझना है कि हम कब क्या निकालें। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है तो जो वाई एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस से डिवाइड करो, फिर जानो कि वो कौन सा डायमेंशन निकल के आ रहा है तुम्हारा। बस यानी कि अगर तुम उसका स्लोप निकालते हो तो वो वैल्यूज निकलेगी। ठीक है, मान लो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो तुम अगर तुम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो तुम्हें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, अगर ये दोनों जो पार्ट है, ये और ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम ग्राफ, स्लोप निकालो वी इंटू टी, क्या हो जाएगा, v इंटू टी क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। सो वी गॉट एक्सेलरेशन एज द रिजल्टेंट और एज वेल एज स्लोप इन द स्लोप। ठीक है चलो, तो ये दोनों चीज तो हो गया, समझ में आ गया होगा। अब अगर तुम एरिया निकालते हो तो एरिया निकालने के लिए क्या करो, x और y को मल्टीप्लाई करो, उसका डायमेंशन चेक करो, डायमेंशन क्या दे रहा है वो देखो। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सर ये वाला तो हम तीनों समझ गए कि इन तीनों में क्या क्या निकल सकता है, बचता ये तीन। तो ये तीन में क्या होता है, ये तीन जो है एक दूसरे से एक इक्वेशन बेस पे रिलेट करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से इक्वेशन बेस पे रिलेट करेंगे तो जेई वालों को चांस मिलेगा क्वेश्चन के लिए, ऑब्वियस ही बात है भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बन जाता है। तुम्हें किसी तरफ इंटीग्रेट करो, किसी तरफ डिफरेंशिएट करो, कुछ रिजल्ट आएगा। मान लो एक है एस इज इक्वल टू वी इंटू एम प्लस सी, एस और वी का ग्राफ बनाया गया है, एस और वी का ग्राफ बनाया गया है। तो व्हाट इज एस, व्हाट इज एस,
सो व्हाट इज एस? तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? एस एस जो है वो डिस्टेंस है। एस क्या है? डिस्टेंस है। और वी क्या है? वेलोसिटी है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन डॉट एम। ठीक है, अगर एम कांस्टेंट है तो ठीक है, वरना तो फिर भाई ये हो जाएगा एम डॉट वी, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये हो गया तुम्हारा अप्रोच रिगार्डिंग टू द नेक्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग द एक्सेलरेशन इन द गिवन ग्राफ। ठीक है, चलो अब हम ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ। ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया टी, ये हो गया एस, ये हो गया टी। तो एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? अगर हम इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ होती है, इसका स्लोप निकालते, तो हमें वो मिलेगा वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी तुमने ऐसे बनाया, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, क्योंकि सेम टाइम में सेम वेलोसिटी, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी कवर होगा। ठीक है, मैं मल्टीपल ग्राफ बना देता हूँ। ये एस टी ग्राफ है, ये भी एस टी ग्राफ है, ये भी एस टी ग्राफ है। देखो अगर ग्राफ में कुछ इस तरीके का बन जाए, तो इसका मतलब सेम टाइम पे मल्टीपल डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेम टाइम पे मल्टीपल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फिर बात आती है ये वाली, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इसका मतलब होता है बॉडी रेस्ट पर है, क्योंकि भाई टाइम बीतता जा रहा है बट डिस्टेंस सेम है, तो ये हो गया रेस्ट पर, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये हो गया नॉट पॉसिबल। ठीक, अब चलो एक और क्वेश्चन, एक और ग्राफ इसी में देखो। ये हो गया टाइम, अब कुछ ऐसे करके देखो। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो या तो एक्सेलरेट होता है या तो रिटार्डेड मोशन होता है। तो ये है क्योंकि ये ऐसे करके बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी समझ गए, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया रिटार्डेड, ये हो गया रिटार्डेड। रिटार्डेड मोशन, ये हो गया रिटार्डेड मोशन। ओके, सो तुम्हारे पास हो गया ये दो से तीन टाइप की चीज। ओके, सो ये और है तुम्हारे पास, रेस्ट है। अब अगर तुमसे कोई कहे कि भाई इसका, कोई पूछे कि एरिया क्या देता है, अगर तुम अगर माई चांस एरिया निकालना शुरू कर दो, तुम्हें पता होना चाहिए ना एरिया क्या देगा, तो डिस्टेंस इनटू टाइम का कोई एरिया ही नहीं देगा, है ना, क्योंकि मीटर इनटू टाइम हो जाएगा वो, तो ये वाली डायमेंशन किसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे अगेन। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो करो डिवाइड, निकलेगा एक्सेलेरेशन। फिर एरिया क्या देगा? तो करो मल्टीप्लाई, निकलेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन बदल नहीं रहा। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं बदल रही है, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी। ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम। ठीक है, अब उसमें से अगर तुम्हारे सामने कुछ भी ऐसा 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 कुछ भी ग्राफ बन जाए, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि ऐसा कोई ग्राफ बन जाए, फिर तुमसे बोला जाए कि भाई ये तो एक्सेलेरेटेड ग्राफ है, ये है रिटार्डेड ग्राफ, ये है एक्सेलेरेशन का, ये है रिटार्डेशन का, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो तुम इसका एरिया निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर बात आता है ये वाला ग्राफ, ये होता है रिटार्डेड मोशन का,
ठीक है, रिटार्डेशन का होता है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इन अ पर्टिकुलर मोशन सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन किया, फिर यूनिफॉर्म चला, फिर रिटार्डेशन किया, क्या मतलब होता है इसका? ऐसे ऐसे ऐसे, बात सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। सबसे पहला यहां से ए बी सी डी, ए से बी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, बी से सी क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, फिर सी से डी क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, ए से बी से सी, सी से डी, एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एंड देन रिटार्डेशन। ओके, फिर आता है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, फिर आता है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ कैसा होता है भाई? एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, स्लोप कुछ नहीं देता है, एरिया देता है वेलोसिटी, एरिया देता है वेलोसिटी। तो देखो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ए ए टी टी। फिर मुझे बताओ अगर इसके ऊपर ओवरलाई कर गया तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है यहाँ पर। फिर आता है, हाँ वैसे भी अगर तुमसे ऐसे तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि तो हो गया स्लोप, और स्लोप कुछ देता नहीं है, तो तुम इसमें सिर्फ एरिया ही पॉसिबल है निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारे जो मैंने तीन टाइप के मेन ग्राफ बताए थे। फिर बात आती है कि अगर तुम्हारे पास एस वी वी ए और ए एस, इन तीनों में से कोई भी ग्राफ निकालते हो, मान लो तुमने क्या किया, ये मान लो ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, तुम सबसे पहले स्लोप निकालो, स्लोप देखो, क्योंकि तुम्हारे पास गिवन होगी इक्वेशन, और तुम्हें इक्वेशन जो है वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग करना है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग करना है, जो करना है इसके अकॉर्डिंग करना है। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इफ एम बीइंग कांस्टेंट, इफ एम इज कांस्टेंट, अगर एम कांस्टेंट होता है तो क्या करोगे, अगर एम कांस्टेंट होता है तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी टी किया भाई, दैट इज इक्वल टू, अरे भाई चल जा, ठीक है, एम बाहर करके डी एक्स बाय डी टी किया, ये तो हो गया जीरो। फिर तुम्हारे पास ओवरऑल कंडीशन आ जाती है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ भी, और फिर तुम उसके रिलेशन में देखोगे तुम क्या पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर इफ एम इज ऑल्सो डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, तो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू एक्स डॉट डी एम बाई डी टी प्लस एम डॉट डी एक्स बाय डी टी। ओके, कोई दिक्कत? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। और इन सब में तुम्हारे पास एक अच्छा टारगेट रहता है, क्योंकि इस टाइप का ग्राफ तुम्हें हर बार जेई मेंस में पूछ लिया जाता है। 2021 में क्वेश्चन आया था सेकेंड शिफ्ट के, शायद हाँ सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था, सेकेंड शिफ्ट और दूसरे तीसरे दिन का पेपर था, उसमें क्वेश्चन था ऐसा ही, जिसमें ए विद रिस्पेक्ट टू वी का एक ग्राफ बना दिया गया था, और फिर उसका इक्वेशन स्लोप दे दिया गया था, और फिर बोला गया था कि कुछ और फाइंड करो, तो उसमें ओवरऑल रिलेशन चल रहा था कि भाई एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन इंटीग्रेट करो, ऐसे करके लंबा चौड़ा क्वेश्चन गया था वो। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये चीज तुम्हें एक्सप्लेन कर दी कि तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए। ओके, सो अब जो बच्चे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक नहीं हो गया, यहां तक, हाँ ये वाला, इस वाले पोर्शन में ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग स्लोप था। ठीक है, इस वाले पोर्शन में छह टाइप के ग्राफ मैंने बताए थे, जो तुम्हें पॉसिबल है एज एक्सपेक्टेड जेई मेंस या जेई एडवांस में आ सकता है, तो सो दिस वाज गिवन टू यू। ठीक है, फिर आता है ये वाले टाइप के ग्राफ, इसमें देख लो मल्टीपल वेराइटीज, देन इसमें मैंने बता दिया इसमें कैसे कैसे मोशन हो रहा है, और ये ग्राफ बनाने को भी तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, और फिर उसके बाद ये कि ओवरऑल तुम्हारे पास चेंजेस क्या क्या होंगे। ठीक है, दो टॉपिक हो गए हमारे, तीसरा टॉपिक, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
एंड मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ने पिछले सारे टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं और कंप्लीट पढ़े हैं, वो ही इस टॉपिक तक पहुंचकर देख पाएगा और समझ पाएगा, वरना उसको समझ में नहीं आने वाला है, कितना भी दिमाग मार लो। ठीक है, बस सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे। ठीक है, अब आता है रिलेटिव मोशन। अब समझो रिलेटिव मोशन क्या होता है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ए और बी। जब हम रिलेटिव की तब बात करते हैं, देखो रिलेटिव कैसे होता है, जैसे समझो कि मेरे रिलेटिव में कोई और क्या लगेगा। जैसे मेरा जो छोटा भाई है, तो तुमसे बोले भाई दो, हम दोनों खड़े हो जाए, बोले कि भाई ये तुम्हारा कौन लगता है, तो लगता है मेरे रिलेशन में लगता क्या, भाई ये मेरा भाई लगता है, अपना भाई सगा भाई लगता है। ठीक है, तो और इसी टाइप के हो जाते हैं रिलेटिव। मान लो ये इधर मूव कर जाए और ये भी इधर मूव कर जाए, तो यानी कि इन लोगों का कोई ना कोई तो रिलेशन बन गया, बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। फिर मैं बोलता हूँ कि हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। फिर आती है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये दोनों अपोजिट में भागने लग जाते हैं, आगे पीछे भागने लग जाते। अब इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि ये तो भाई आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये भी आता है। तो फर्स्ट, इफ एनी टू बॉडीज रनिंग इन सेम डायरेक्शन, रनिंग इन सेम डायरेक्शन, क्या होता है तब उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो देखो लेट्स से हम एक वेलोसिटी मान लेते हैं यू ए, दूसरी मान लेते हैं यू बी, तो हमें एक रिजल्टेंट वेलोसिटी देखने को मिलती है, हमें एक रिजल्टेंट वेलोसिटी देखने को मिलती है, दैट इज यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, क्या बोले, सेम डायरेक्शन बोला है, सेम डायरेक्शन में तुम माइनस कर देना। वैसे माइनस ही किया जाता है, रिलेशन निकालते समय हमेशा माइनस ही करते हैं, वो बात अलग हो जाती है। अपोजिट आ रहा है तो जो अपोजिट भाग रहा है उसको हम लिख देते हैं नेगेटिव वी, और फिर बाद में जाके वो प्लस हो जाता है। लेट से इफ द बॉडीज रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक हो जाएगा यू ए, फिर यू बी, हमारे पास हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी। अब समझो, बहुत गौर से ध्यान से समझ कर पढ़ कर देखो आगे। अब एक ऑब्जेक्ट तो भाग रहा है ऐसे, एक ऑब्जेक्ट भाग रहा है ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको मैंने लिख दिया यू ए, पर अगर मैं इसको इसके तरीके से लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ यू बी। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ यू बी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यू ए माइनस माइनस ऑफ यू बी दैट इज इक्वल टू यू ए प्लस यू बी, यू ए प्लस यू बी। अब देखो वो तो हो गया छोटा मोटा, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या क्या चीजें होती है वो बेसिक चीजें तुम लोगों ने 7th 8th में भी पढ़ लिया होगा, ऊपर नीचे करके ये क्या होता है। एक क्वेश्चन देखो बस, मान लो ये एक गाड़ी है और ये एक आदमी है। ठीक है, ये एक गाड़ी जो है ये आदमी से कुछ दूरी दूर है, एक्स मीटर। अब क्या होता है कि ये गाड़ी भागना शुरू करती है, गाड़ी खुल जाती है, गाड़ी स्टार्ट कर देती है, यानी कि ये u इक्वल टू 0 पे था, पर ये चलती है विद अ प्रॉपर एक्सेलरेशन, और ये आदमी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भागना शुरू करता है। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है, और यहाँ दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, एक इस आदमी के भागने की और एक इस ट्रेन के भागने की, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की भी बात हो रही है जो अलग अलग कंडीशन के लिए भाग रहे हैं, ये जा रही है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए और ये जा रहा था कि ट्रेन में बैठ जाए, इसकी ट्रेन छूट गई भाई, इसी वजह से टाइम पे ट्रेन पकड़ो भाई। हाँ ठीक है, तो ये इस पे पहुंचा, इसने देखा भाई जल्दी आ गई ये ट्रेन, तो भाई अब क्या जल्दी जा रही है ट्रेन, तो अब क्या हुआ, अब ये भागना शुरू किया। ठीक है,
अब इसमें ना सिर्फ एक रिलेशन तुमको देखने मिलेगा, सिर्फ एक रिलेशन, क्या सॉरी दो रिलेशन। मतलब मान लो ये टी टाइम के बाद इस गाड़ी पे चढ़ जाता है, तो यानी कि ये टी टाइम के लिए आगे भी तो बढ़ गई होगी, तो दोनों के लिए तुम सेम टी लगाओगे। जो ये टाइम लेगा इस ट्रेन पे चढ़ने के लिए, उतना ही टाइम इसको आगे बढ़ने के लिए लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसकी वेलोसिटी होगी ट्रेन पे चढ़ते वक्त, वही वेलोसिटी होगी ट्रेन की उस सेकंड में, उस टाइम में, क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो हो रहा है, तो ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, समझ गए? तो ट्रेन की वेलोसिटी और आदमी की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो मैं इसी बात से लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ये चीज रखना। और टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू मूव एट अ पर्टिकुलर मोशन एंड देन टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच एट द ट्रेन डोर, दैट इज इक्वल। ये दो चीज तुम्हारे सामने हो जाएंगे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। जिन बच्चों को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो भाई, इसका भी मना नहीं कर रहा हूं मैं। ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव मोशन का, ये हो गया इस पे कह लोगे तुम ले लिए, ठीक है। ओके, सो अब होता है हमारा आज का सेशन प्लस यूनिट ऑफ मोशन, ठीक है, सॉरी यूनिट ऑफ मोशन नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सॉरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट सेशन में, सबसे पहले हमारे 3 सेशन और आएंगे जिसमें इससे रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड, पहला होगा जनरल क्वेश्चन, हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चन हम करेंगे उसमें। दूसरा होगा PYQ ऑफ IIT JEE मेंस एंड एडवांस। फिर होगा तीसरा नीट, तीसरा होगा नीट के लिए, ठीक है। तो तीनों के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, एज वेल एज तुम ये चाहते हो कि आने वाले सारे क्वेश्चन तुमसे बहुत अच्छे से और खूबसूरती से हो जाए, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, पिछले जितने सेशन हैं उसको प्रॉपरली देखोगे, नोट्स बनाओगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करोगे। ओके, अगर कोई 12th का स्टूडेंट इसे देख रहा है तो तुम लोग को मैं एक चीज बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हारा बहुत जल्दी में मेंस आ जाएगा, सॉरी क्या कह रहा, मेंस आने वाला होगा, तो मैं तुमसे एक ही चीज कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाने पे, और आने वाले जो 3 सेशन है जिसमें तुम्हारा क्या कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें मैंने बताया कि जेई के, जेई मेंस एडवांस का, एक नीट का और जनरल क्वेश्चन, जो हर वैरायटी के क्वेश्चन को कवर अप करेगा, ये 3 टाइप के क्वेश्चन को तुम लोगों को जरूर देखना है। उसके बाद बाकी सारे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बस कॉन्सेप्ट लर्निंग समझनी पड़ेगी, और जो कि मैं उन जो जनरल क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एज वेल एज योर प्रिपरेशन, व्हाट एवर यू आर डूइंग। ओके, थैंक यू।